उपनिषदों में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन थोड़ी भाषाई लिबर्टी लेकर के कहें तो हर सर्वे सबको खुश करे ये जरूरी तो नहीं है। कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो अलग अलग पक्षों के लिए खुशी, सवाल या बवाल का कारण भी बन जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स के सर्वे, इमारतों के सर्वे, वो सर्वे जिनका जिक्र आपने कुछ मंदिर मस्जिद विवादों में सुना होगा, जिनके आधार पर ये पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी जगह पर पहले, बहुत पहले, कौन सा स्ट्रक्चर बना था और जो भी स्ट्रक्चर था वो दिखता कैसा था। सर्वे करने वाले विशेषज्ञ इसके आगे की खबर भी खोज निकालने में सक्षम होते हैं, माने उस जगह पर कितने सदियों पहले से होमो सेपियंस रह रहे थे, वो खाते क्या थे, कैसे नहाते थे आदि आदि। हमारे यहाँ ये काम ASI नाम की संस्था करती है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व विभाग, भारत सरकार की संस्था है। काम है उसका जमीन में गड़े इतिहास की खोजबीन करना और मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करना। 140 साल तक ASI ने खूब सर्वे किए, 5000 साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भी खोज निकाला। जो खुदाई में मिला वो इतिहास का एक पहलू था जो अमर था। ASI का नाम अखबार के अंदर के पन्नों से निकल करके पेज वन पर तब आया जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में इसकी एंट्री हुई। 2003 में एक ऐसा सर्वे हुआ जिसने बताया कि विवादित स्थान पर मंदिर तो था ही, लेकिन उस मंदिर में 5-5 खंभों की 17 पंक्तियां थी। इसके साथ ही ASI ने उस स्थान पर पिछले 3000 सालों का इतिहास भी निकाल डाला, जिसमें मौर्य और गुप्तकाल के अवशेष, रुइंस भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में ASI की रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर, सबूत के तौर पर स्वीकार किया और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ASI के सर्वे की गाड़ी ज्ञान वापी से होते हुए संभल भी पहुंच चुकी है। कई लोग चाहते हैं कि इसे अजमेर की ओर भी मोड़ दिया जाए, लेकिन हम राजनीतिक और धार्मिक निष्ठाओं पर आज बात नहीं करेंगे। हम थोड़ी टेक्निकल बात समझेंगे कि ASI के सर्वे में ऐसा क्या होता है जिससे इतिहास का पूरा सच सामने आ जाता है, कैसे कुछ पदार्थ और एक ब्रश ही काफी होता है सदियों पुरानी कहानी को उजागर करने के लिए, और ASI किन साइंटिफिक तरीकों का, किन मेथड्स का इस्तेमाल करती है जिससे इतनी पुरानी कहानी भी पता चल जाती है, ये सब आज जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्कार, अपन है कुलदीप, आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। आर्कियोलॉजी यानी जमीन के भीतर पाई गई प्राचीन वस्तुओं या उनके अवशेषों के आधार पर इतिहास का अध्ययन, इसकी पढ़ाई करने वालों को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ASI यानी पुरातत्व विभाग इन प्राचीन वस्तुओं और इतिहास को स्टडी करने के लिए कई साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। एक तरीका है जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। इसको आसान भाषा में आप एक उदाहरण से ऐसे समझिए कि जब घर के बाथरूम में लीकेज हो जाए तो प्लम्बर 2-4 जगह टाइल्स तोड़ता है और तब समझ पाता है कि समस्या कहाँ है। अब अगर ASI इस हिसाब से खुदाई करने लगा तो पूरा देश ही खुद जाएगा। इसलिए ASI ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन के अंदर बिना खुदाई किए समझा जा सके कि उसके नीचे कुछ खुदाई करने लायक है भी या नहीं, खुदाई करेंगे तो नीचे कुछ मिल सकता भी है या नहीं। बिना खुदाई के जमीन के अंदर बचे हुए अवशेषों की डेंसिटी, उसके आकार और वो किस मटेरियल का संभवतः बना है उसका भी पता लगाया जा सकता है, और इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है साइज्मिक मेथड, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, और सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग मेथड है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। सबको हम बारी बारी से समझते हैं। साइज्मिक वेव एक तरह की तरंग है जो भूकंप के समय निकलती है। भूकंप से जो तबाही होती है उसकी वजह यही तरंग होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे मशीनों के जरिए बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली क्रिएट किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इस तरंग की एक खासियत है, ये किसी भी तरह के पदार्थ से गुजर सकती है, माने चाहे मटेरियल सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस। साइज्मिक वेव तीनों से होकर के गुजर सकती है और उस पदार्थ की डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने मशीन लगा करके साइज्मिक तरंगें रिलीज की, उनको छोड़ा, तो मिट्टी से गुजरते हुए अगर ये तरंगें किसी दीवार के अवशेषों से टकराएंगी तो कुछ तरंगें वापस धरती की ओर रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ तरंगें डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितनी मात्रा में ये तरंगें डिफ्लेक्ट होंगी उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीवार ईंट की बनी थी या पत्थर की, और सतह की तरफ रिफ्लेक्ट हुई तरंगों से पता चलेगा कि दीवार के अवशेष जमीन से कितने नीचे हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में भी हुआ था। तो ये साइज्मिक मेथड हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड जो है वो भी इससे काफी सिमिलर है, बस उसका उद्देश्य थोड़ा सा अलग है।
आपने सुना होगा कि धरती से मैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जिन्हें मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। धरती की हर लोकेशन पर मैग्नेटिक तरंगों को मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। अब अगर जमीन के नीचे सड़क या दीवार के अवशेष हैं, तो पत्थरों और ईंटों की वजह से उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ जाता है, जो बेहद आसानी से मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करके एक बड़े मैदान में वो लोकेशंस ढूंढ पाते हैं जहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर शिशुपालगढ़ की खोज, भुवनेश्वर के पास 13 एकड़ के मैदान में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों साल पुरानी 300 मीटर लंबी सड़क खोज निकाली थी, जिसका ताल्लुक शिशुपालगढ़ नाम के पुराने शहर से था। आपने कलिंग का नाम सुना होगा, वही जिसे इतिहास के मुताबिक अशोक ने युद्ध में जीता था और जिस जीत के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शिशुपालगढ़ उसी कलिंग की राजधानी थी। इसकी खोज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल किया गया था। ज्ञानव्यापी के सर्वे में भी साइस्मिक मेथड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का भी इस्तेमाल किया गया था। अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग तकनीक की ओर, ऐसी तकनीक जो जमीन में दबे स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल बना देती है। आसान भाषा में कहें तो एक मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं, अंदर जाकर तरंगे जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती हैं उस हिसाब से कंप्यूटर पर जमीन के अंदर दबे ढांचे की तस्वीर बन जाती है, मतलब एकदम एक्सरे टाइप खींच जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार को सबसे सटीक टेक्नोलॉजी माना जाता है इस क्षेत्र में। रडार का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सूखी रेत वाली मिट्टी के नीचे दबे ढांचों को समझने में होता है। हालांकि ये तकनीक समुद्री तटों पर उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि घनी चिकनी मिट्टी में रडार की तरंगों का पेनिट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल अयोध्या में भी हुआ था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी फायदा भी हुआ। ये सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीकें हैं, माने इसके इस्तेमाल के समय ना तो जमीन के ऊपर बने ढांचे ना ही नीचे दबे ढांचे को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है। जब ऐसी तकनीकों से जमीन के नीचे बने ढांचों के बारे में कंफर्मेशन मिल जाता है, तब शुरू होती है खुदाई। चिन्हित जमीन को छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा जाता है और फिर छोटे छोटे औजारों से आहिस्ते आहिस्ते खुदाई शुरू की जाती है, और फिर मिलते हैं अवशेष जैसे कि दीवारें, सड़क या पूरा का पूरा शहर। कई खुदाइयों में कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जैसे मटके, पुराने समय की क्रॉकरी इत्यादि। अब बारी आती है जो चीज़ें खुदाई में निकली हैं उनकी उम्र पता करने की। उसके लिए फिर से साइंस का सहारा लिया जाता है और इस तकनीक को कहते हैं कार्बन डेटिंग। नाम तो आपने सुना ही होगा। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, जिसमें भी जीवन है उनके शरीर में कार्बन होता है। कहाँ से आता है ये कार्बन? असल में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, इंसान और जानवर उसे खाते हैं। इस तरह पूरी फूड चेन में कार्बन पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, सभी जीवों में दो तरीके के कार्बन होते हैं। एक है C12 जो सबसे कॉमन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्बन से बनती है। लेकिन कार्बन का एक रेडियो आइसोटोप भी है जिसे C14 कहते हैं, ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। रेडियो आइसोटोप का आसान मतलब है कि किसी एलिमेंट का जुड़वा भाई। ये जुड़वा भाई दिखने में तो हम शक्ल है, बस कुछ हरकतों का फर्क है, कुछ फीचर्स अलग है। कैसे? दुनिया में हर चीज एटम से बनती है। एटम माने सबसे छोटा पार्टिकल जिससे ये सारी दुनिया बनी है। कैसे? जैसे एक एक ईंट जोड़ करके दीवार बनती है, वैसे ही एटम्स जोड़ करके तत्व बनाते हैं। हर एटम के अंदर 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और एटम कैसा दिखता है? सौर मंडल के जैसा, यानी जैसे सूरज सौर मंडल के बीच में होता है और तमाम ग्रह उसके चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेंदों की ढेर की तरह बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस ढेर का चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ढेर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन के नंबर से ही एलिमेंट यानी तत्व की पहचान होती है। अगर आप कार्बन का एक एटम अमेरिका से लें और दूसरा भारत से, तो भी प्रोटॉन की संख्या फिक्स्ड होगी, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से तत्व नहीं बदलता, बस उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। और जब किसी एलिमेंट से न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है तो वो आइसोटोप कहलाता है। C14 कार्बन का आइसोटोप है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये इनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, बहुत जल्दी टूटने लगता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो कार्बन 12 तो सलामत रहता है, लेकिन कार्बन 14 की संख्या कम होने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के बाद उसके अंदर के बुलबुले धीरे धीरे कम होने लगते हैं। करीब हर 5700 साल में ये संख्या आधी हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अगर किसी अवशेष में कुछ ऐसा मिलता है जैसे किसी जानवर या इंसान की हड्डियां आदि, तो वो उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं C14 कितना बचा है ये देख करके।
पर ये ध्यान रखिए कि C14 करीब 5700 साल में आधा हो जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 64,000 साल में से ज़्यादा पुरानी चीज़ों की कार्बन डेटिंग करना संभव नहीं हो पाता। इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ हद तक आर्टिफैक्ट्स जैसे कि मटके वगैरह की उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन पत्थरों या किसी दीवार की उम्र का पता लगा पाना इस तकनीक से मुश्किल है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का सहारा लेते हैं, जैसे किस तरीके का आर्किटेक्चर किस दौर में इस्तेमाल किया जाता था आदि आदि। ये मोटा मोटी वो तरीके हैं जिनसे किसी जगह के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट सटीक सटीक इतिहास बता पाते हैं। ये तरीके दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ जहाँ सर्वे वहाँ वहाँ ये तरीके। आज के लिए इतना ही। आकाश को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी। देखते रहिए तीला लैपटॉप।